गूथना या माड़ना इसे इंग्लिश में नीड कहते हैं। गूथा हुआ आटा इसे इंग्लिश में डो कहते हैं। लोई बनाना इसे इंग्लिश में मेक द डो बॉल कहते हैं। रोटी बेलना इसे इंग्लिश में रोल आउट कहते हैं। रोटी सेकना इसे इंग्लिश में बेक द चपाती कहते हैं। पलटना इसे इंग्लिश में फ्लिप कहते हैं। फुलाना इसे इंग्लिश में पप अप कहते हैं। चुपड़ना इसे इंग्लिश में स्प्रेड कहते हैं। मसलना इसे इंग्लिश में मैस कहते हैं। कद्दूकस करना इसे इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं। पीसना इसे इंग्लिश में ग्राइंड कहते हैं। निचोड़ना इसे इंग्लिश में स्क्वीज कहते हैं। फेंटना इसे इंग्लिश में विस्क या व्हिप कहते हैं। छानना इसे इंग्लिश में शिफ्ट या स्ट्रेन कहते हैं। शिफ्ट पाउडर जैसी चीज़ों को छानने के लिए यूज़ होता है और स्ट्रेन लिक्विड चीज़ों को छानने के लिए यूज़ होता है। छिड़कना इसे इंग्लिश में स्प्रिंकल कहते हैं। मथना इसे इंग्लिश में चर्न कहते हैं। जमाना इसे इंग्लिश में सेट कहते हैं। भूनना इसे इंग्लिश में रोस्ट कहते हैं। सजाना इसे इंग्लिश में गार्निश कहते हैं। तोड़ना इसे इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। घोलना इसे इंग्लिश में डिजॉल्व कहते हैं। तलना इसे इंग्लिश में फ्राई कहते हैं। काटना इसे इंग्लिश में चॉप कहते हैं। टुकड़ा या फांक या पतली काटना इसे इंग्लिश में स्लाइस कहते हैं। ढालना या उड़ेलना इसे इंग्लिश में पोर कहते हैं। पिघलाना या गलाना इसे इंग्लिश में मेल्ट कहते हैं। हल्के से तलना या तला हुआ इसे इंग्लिश में सौते कहते हैं। उछालना इसे इंग्लिश में टॉस कहते हैं। भाप से पकाना इसे इंग्लिश में स्टीम कहते हैं। भोजन परोसना इसे इंग्लिश में सर्व कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्विज है फर्स्ट मथना, सेकंड फुलाना, इन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।